नेक्स्ट वीक के फॉरेक्स एनालिसिस में आपका स्वागत है, जो कि 4th अप्रैल से 8th अप्रैल तक होगा। फॉरेक्स मार्केट में किस तरह की हलचल हो सकती है, ये हम प्राइस एक्शन और वन सिंगल मूविंग एवरेज इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ एक टेक्निकल एनालिसिस होगा, जिस पर हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे और कहाँ कहाँ पर ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं नेक्स्ट वीक में, वो हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। और हमेशा की तरह जो मेजर करेंसी पेयर्स मैंने पिक किए हैं उसमें है यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ, एयूडी यूएसडी और लास्ट होगा यूएसडी कैड। सो लेट्स बिगिन। ऑलराइट, वेलकम बैक, माय नेम इज गिरीश एंड दिस इज लास्टली स्पोकन। दोस्तों, अगर आप एक बिगिनर हैं और फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट इनकी नॉलेज फ्री में चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे चैनल पर आइए। यहाँ पर आपको 200 से भी ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगी जो कि लगभग डेली अपलोडेड होती है, जिसमें लाइव ट्रेडिंग, वीकली फॉरेक्स एनालिसिस, फॉरेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज या फिर क्रिप्टो करेंसीज की पूरी नॉलेज जो है वो ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में दिया जाता है। ठीक है, अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं इस तरह के कॉन्टेंट में तो आप चैनल सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं वीकली फॉरेक्स एनालिसिस की। सबसे पहला यूरो यूएसडी, हम सबका फेवरेट, बड़े टाइम फ्रेम यानी एक महीने का चार्ट अगर यहां पर पिक करूं मैं तो कुछ इस तरह का कैंडल हमें दिख रहा है यहां पर। यानी लास्ट मंथ का क्लोजर ये कैंडल हुआ है, लॉन्ग विक है इसमें, ऑल्दो एक बुलिश प्रेशर दिख रहा है मंथली के हिसाब से, लेकिन अगर देखा जाए इस जोन पर तो यहां तक मोस्ट लाइकली प्राइस क्लोज होना चाहेगा। ठीक है, ऑल्दो इस एरिया में एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मैं अभी आपको दिखाऊंगा। फिलहाल छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं जहां पर हम ट्रेड कर सकते हैं। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से डाउन ट्रेंड है, 200 पीरियड के मूविंग एवरेज से नीचे प्राइस है। और डेली टाइम फ्रेम में, जी हाँ, यहाँ पे भी हमें अभी एक चैनल दिख रहा है कुछ इस तरह का, एक चैनल को सपोर्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट कर रहा है प्राइस इस चैनल को समवेयर। तो डाउन ट्रेंड की तरफ हम देखेंगे इस चैनल के ब्रेकआउट के बाद, तो इसके लिए हम 4 घंटे के चार्ट में चलेंगे। ऑल्दो ये पुल बैक भी हो सकता है क्योंकि अभी प्राइस ऑल्दो लंबे टाइम फ्रेम के हिसाब से वो एक डाउन ट्रेंड है, लेकिन करंट ट्रेंड क्या है, वो अप ट्रेंड है। अब जो डिसाइड करना होता है, जिस ट्रेंड के साथ हमें चलना होता है, वो है करंट ट्रेंड के साथ एज ऑफ नाउ, मतलब एनालिसिस करते समय। भले ही बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से हम डाउन ट्रेंड में जाएं, लेकिन अभी जो छोटा ट्रेंड है वो उसके पास पोटेंशियल है कि वो ट्रेंड को चेंज कर सकता है। तो फिलहाल बड़े ट्रेंड के लिए हम इस छोटे ट्रेंड को जो है इग्नोर करेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे हम सेल की तरफ देखें, मतलब अपॉर्चुनिटी के लिए हमें उस लेवल तक प्राइस के आने का वेट करना होगा। अभी क्या है ये देखिए, अभी हायर हायर एंड हायर लोज बन रहे हैं, तो इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, जब तक ये लेवल ब्रेक ना होना ये वाला, तब तक हमारे लिए ये हायर लो है। इसका मतलब प्राइस मोस्ट लाइकली अब यहां से एक और हाई बनाएगा, कंटिन्यूएशन चल रहा है। तो यहां पर सिचुएशन ये होनी चाहिए कि अगर प्राइस इसको तोड़ के, इस लेवल को तोड़ के इससे नीचे क्लोज हो जाता है, ठीक है, यहां ट्रेड हो रहा है, तो देन मोस्ट लाइकली वो क्या होगा, फिर हम उसमें सेल की सोच सकते हैं, वो एक ट्रेंड रिवर्सल होगा। मतलब जो ये करंट ट्रेंड चल रहा था अब ट्रेंड छोटा सा, इसका रिवर्सल माना जाएगा अगर ये यहां पर ट्रेड होता है तो। अगर जब तक ट्रेड यहां पर नहीं हो रहा तब तक हम कोशिश करेंगे कि ये अपवर्ड जाएगा, तो हमें क्या करना है, फिलहाल देखिए बाय के लिए मैं फिलहाल नहीं बोल सकता, उसका रीजन है कि ट्रेड रिस्की है क्योंकि ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में मैं आपको अगर बाय का सिग्नल दूं तो वो समवेयर ट्रेंड के अगेंस्ट होगा। अब ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि ट्रेंड के अगेंस्ट हम ट्रेड विन नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन चांसेस कंपैरेटिवली कि आप ट्रेंड के साथ चलें कम हो जाते हैं। तो इसीलिए अभी तक मैं इसमें बाय की नहीं सोच सकता, सेल की सोचूंगा कब, जब प्राइस इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देगा, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो चैनल बन रहा है इसको तोड़ देगा और इससे नीचे क्लोज होगा। जो ये लो दिख रहा है, पिछला लो, इससे नीचे यहाँ क्लोज हो जाता है, तो उसके बाद एक पुल बैक आने पर इस ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ पर एक एंट्री बनाई जा सकती है सेल की। ठीक है,
ये 4 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने बताया ये, और इससे रिलेटेड मैंने स्ट्रैटेजी भी शेयर करी है 4 आवर्स में आप किस तरह से इनगल्फिंग कैंडल पर आप एंट्री बना सकते हैं। तो यहाँ पर मोस्ट लाइकली ये ट्रेडिंग सेटअप नेक्स्ट वीक में हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगेन यूरो यूएसडी जो है वो सेल की तरफ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट करेंसी पेयर जो है पाउंड डॉलर का। जीबीपी यूएसडी में भी हमें सेम उसी तरह का कुछ पैटर्न नजर आ रहा है, ऑल्दो लास्ट वीक में थोड़ा सा उछाल दिखा था, फिर भी प्राइस एकदम से ऐसा 4 घंटे के हिसाब से कोई बड़ा मूव लिया नहीं है। बड़ा टाइम फ्रेम जो है वो डाउन ट्रेंड की तरफ है, और वीकली के हिसाब से देखें तो यहाँ पर एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न सा फॉर्म हुआ है, वो भी एक इस लेवल पर जो कि पास्ट में टेस्टेड है मल्टीपल टाइम। इस लेवल पर हमें एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न सा फॉर्म हुआ है, ऑल्दो इस कैंडलस्टिक का जो वीकली कैंडल था इसका विक लंबा है, इसका मतलब बाइंग प्रेशर दिख रहा है यहाँ पर। स्टिल थोड़ा सा बुलिश हो सकता है प्राइस नेक्स्ट वीक में, लेकिन मोस्ट लाइकली चांसेस अभी डाउन ट्रेंड की तरफ हैं, तो हम डाउन ट्रेंड की तरफ ही देखेंगे। अभी फिलहाल ये डेली टाइम फ्रेम है, ऑल्दो यहाँ पर एक डोजी कैंडल फॉर्म हुआ और उसके बाद फिर ये अपवर्ड मूव करने के लिए समवेयर कोशिश कर रहा प्राइस, तो हो सकता है एक और लिफ्ट मिले और मोस्ट लाइकली इस लेवल के आसपास हमें एक फिर से सेलिंग प्रेशर दिखे यहाँ पर। मोस्ट लाइकली ये यूरो यूएसडी करेंसी पेयर को फॉलो करता है, तो यूरो यूएसडी में अगर थोड़ा सा उछाल आता है तो यहाँ पर भी हमें एक उछाल देखने को मिल सकता है। अभी 4 घंटे के हिसाब से अगर प्राइस इस लेवल तक कहीं आता है, मतलब 200 ग्रेड के मूविंग एवरेज के आसपास, और यहाँ पर हमें कोई इनगल्फिंग सा कैंडल फॉर्म होता हुआ नज़र आता है डाउनवर्ड, तो मोस्ट लाइकली वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी अगर आप सेल की तरफ जाएँ तो। और बात करते हैं क्या हम यहाँ पर बाइंग की सोच सकते हैं, बोल ऐसा कोई पैटर्न हमें नज़र नहीं आ रहा है फिलहाल तो, ठीक है। तो 4 घंटे के हिसाब से अभी सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नहीं है क्योंकि मार्केट एक्सटेंडेड है, एक पुल बैक का वेट हो सकता है यहाँ पर, और मोस्ट लाइकली ये जो हाई है इससे एक लोअर हाई बना के प्राइस समवेयर डाउनवर्ड जा सकता है, ठीक है। ये रहा पाउंड डॉलर। अब बात करते हैं नेक्स्ट करेंसी पेयर जो है यूएसडी जेपीवाई। हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। अब वीकली टाइम फ्रेम में एक शूटिंग स्टार से कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है यहां पर, जो कि ग्रीन है यानी बुलिश ही है, रेड में शो नहीं कर रहा है, जो कि कहीं ना कहीं रेड वाला जो है इफेक्टिव माना जाता है। दूसरा, शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक की जो शेडो है ये बहुत बड़ी है, तो ये शेडो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है यहाँ पर, तो फिर कहीं ना कहीं ये एक परफेक्ट शूटिंग स्टार नहीं माना जाएगा, तो इसके लिए हम वेट करते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक का। अगर इससे अगली कैंडल इससे नीचे क्लोज हो जाती है इसके ओपनिंग प्राइस से, सो देन उसके बाद हम इसको एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न मान सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मोस्ट लाइकली ये प्राइस अपवर्ड लिफ्ट करेगा और समवेयर इस लेवल तक डीप आने के चांसेस हैं। डेली में भी एक बार चेक कर लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर एक पुल बैक आया था और उसके बाद फिर से यहाँ से प्राइस लिफ्ट करना स्टार्ट कर चुका है। मोस्ट लाइकली हमें यहाँ पर एक डबल टॉप सा क्रिएट होता हुआ नज़र आ सकता है नेक्स्ट वीक में या फिर एक दो वीक में। अगर डबल टॉप से प्राइस कहीं ना कहीं आगे लिफ्ट नहीं कर पाता है तो फिर वो एक सिग्नल हो सकता है कि यहाँ से इस एरिया से एक हमें डाउनवर्ड मूव दिखे समवेयर इस एरिया से। यहाँ पर डबल टॉप बना के प्राइस हो सकता है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करे नेक्स्ट वीक में। छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से ये 4 घंटे का चार्ट है। देखिए हम फिलहाल तो एज ऑफ नाउ ट्रेंड के साथ ही चलेंगे, तो वो है बाय के फेवर में। तो यहाँ पर 4 घंटे के चार्ट में एक हेड एंड शोल्डर सा पैटर्न फॉर्म हुआ था लेकिन नेक लाइन को प्राइस तोड़ नहीं पाया था। ये नेकलाइन है, यहाँ से प्राइस नीचे क्लोज नहीं हो पाया था, नहीं तो फिर एक लोअर लो वाला सिचुएशन हो जाता। तो यहाँ पर ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न था ये पूरा ब्रेक नहीं हो पाया, अगर टूट जाता तो फिर रिवर्सल कहलाता। तो फिलहाल अभी चांसेस यही हैं कि मोस्ट लाइकली प्राइस इस लेवल से या फिर इस लेवल से, इन दो जोन से लिफ्ट करेगा।
पहला जोन ये है, यहीं से प्राइस एक विक लेके समवेयर लिफ्ट करने की कोशिश करेगा। अगर ऐसा नहीं होता, सस्टेन नहीं कर पाया, तो ये लेवल फिर से एक सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर ऐसा नहीं होता, इसको तोड़ के नीचे प्राइस आ जाता है, तो फिर समझ लीजिए वो एक रिवर्सल का इंडिकेशन आ चुका है। यहाँ तक फिर वो सपोर्ट लेके, मतलब एक रेजिस्टेंस लेके, फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर सकता है। मोस्ट लाइकली पिछले जो रिजेक्ट यानी सपोर्ट के जोन है, वहाँ तक भी वो मूव कर सकता है। लेकिन अभी ट्रेंड के साथ हमें चलना होगा। हेड एंड शोल्डर जब तक ब्रेक ना हो, हम रिवर्सल की नहीं सोच सकते। चांसेस ये हैं मोस्ट लाइकली कि प्राइस इस लेवल के बाद ही लिफ्ट करना स्टार्ट कर देगा यहाँ से। सो नाउ बात करते हैं नेक्स्ट करेंसी पेयर जो है USD CHF। फिलहाल वीकली टाइम फ्रेम में हैं हम, और यहां पर इस जोन पे समवेयर प्राइस रिजेक्ट हो रहा है, और वीकली टाइम के हिसाब से भी देखा जाए तो एक लॉन्ग विक रिजेक्शन देखा जा सकता है इस एरिया में। ऑल्दो ये वीकली टाइम फ्रेम है, और छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से भी हमें कहीं ना कहीं इस एरिया में रिजेक्शन दिखा था। और अभी अगर यहाँ पर सेल के लिए हमें जाना है, तो वो फिर ये ट्रेंड लाइन तोड़नी पड़ेगी, प्राइस को इससे नीचे क्लोज होना होगा। अगर ऐसा नहीं होता, इससे ऊपर प्राइस कहीं है इस जोन के आसपास संभव है, तो यहाँ से मोस्ट लाइकली फिर ये अपवर्ड लिफ्ट करने के चांसेस रखता है। जैसे कि यूरो यूएसडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है, तो फिर कहीं ना कहीं यूएसडी जो है वो अपवर्ड मूव करेगा। कोरिलेशन देखा जाए तो अगर यूरो यूएसडी करेंसी पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है, तो मोस्ट लाइकली यहाँ पर हमें एक उछाल देखने को मिल सकता है यूएसडी सीएचएफ में। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं हम, ऐसा प्राइस कोई भी एग्जैक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे है नहीं फिलहाल, तो बस इस ट्रेंड लाइन का वेट करें ब्रेक होने का। अगर नीचे क्लोज हो जाता है, तो वो एक रिवर्सल माना जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता, तो फिर यहां से कंटिन्यूएशन की तरफ जा सकते हैं फर्दर हम। राइट, बात करते हैं नेक्स्ट करेंसी पेयर जो है ऑजी डॉलर। वीकली टाइम फ्रेम मेरे पास यहां पर है, और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से कुछ इस तरह का एक ट्रेंड लाइन बन रहा था, उसको तोड़ के प्राइस ऊपर गया, और यहां पर एक लॉन्ग विक रिजेक्शन और बुलिश इनगोल्फिंग सा कैंडल बनाया। तो ये चांसेस थे बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से एक बाई की एंट्री बनाने के, और यहां पर थोड़ा सा रिजेक्शन मिला है लास्ट वीक में। उसका रीजन है कि इस एरिया को पास्ट में सपोर्ट किया था, मतलब यहाँ से एक रेजिस्टेंस लिया था, तो अब वो अभी वो जो रेजिस्टेंस लेवल है वो फिलहाल बना हुआ है। तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पर थोड़ा सा रिजेक्शन दिख सकता है, एक कंसोलिडेशन सा फेज यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, और उसमें भी एक डबल टॉप, इनफैक्ट ट्रिपल टॉप वाली सिचुएशन लग रही है। उसमें डबल टॉप जो है वो तो लगभग सिमिलर बराबर बना रखा है, लेकिन अगला जो है वो थोड़ा सा नीचे है। तो मोस्ट लाइकली यहाँ पर एक रिवर्सल का इंडिकेशन लग रहा है मुझे। तो ऑजी डॉलर में सम हुआ है, ये एक डाउनवर्ड मूव ले सकते हैं, और उसके लिए पहला टारगेट आप यहाँ तक रख सकते हैं जो डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग है इस लेवल तक। और मोस्ट लाइकली कि मैं इसको ट्रेड को एग्जीक्यूट करूँगा, और इसके लिए थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में जाके हमें बस इस लेवल को ब्रेक होने का वेट करना है। सिंपल सा ये जो लेवल है, इससे नीचे प्राइस क्लोज हो जाता है एक घंटे के चार्ट में या फिर चार घंटे के चार्ट में, तो फिर मोस्ट लाइकली ये फिर हमारा एक ट्रेड हो सकता है यहाँ पर, जिसमें सेल की एंट्री हम बना सकते हैं यहाँ पर कहीं। इसलिए टारगेट हमारा होगा यहाँ तक, जहाँ पर मैंने ये ड्रॉ किया है रेड लाइन, और हमारा टारगेट हमारा स्टॉप लॉस लगभग इस एरिया के आसपास होगा, जहाँ पर कि एक छोटा सा पुल बैक आएगा। अगर कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है, तो यहाँ पर एक छोटा सा पुल बैक आ सकता है, और ये पुल बैक का जो स्विंग हाई होगा, तो उस स्विंग हाई तक हम जो है अपना स्टॉप लॉस लेके जा सकते हैं समय यहाँ पर, और यहाँ से हमारा सेलिंग प्रेशर है वो स्टार्ट होगा। कुछ इस तरह से स्टॉप लॉस आप यहां पर सेट कर सकते हैं, जो स्विंग यहां पर आएगा पुल बैक उससे ऊपर।
कुल मिला के एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होने वाली है ऑजी डॉलर में। अब बात करते हैं लास्ट करेंसी पेयर जो है यूएसडी कैड। ये वीकली टाइम फ्रेम है और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से आप देख सकते हैं बहुत ही स्ट्रांग सेलिंग पुश दिख रहा है हमें, और इस लेवल पर देखा जाए तो बहुत स्ट्रांगली रिजेक्ट हुआ था प्राइस पास्ट में, और लास्ट वीक में, लास्ट दो तीन वीक्स में आप देख सकते हैं बहुत स्ट्रांग सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। इनगोल्फिंग कैंडल भी है और यहाँ पर इनडिसिजन कैंडल है, एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न भी फॉर्म हो रहा है। तो अभी फिलहाल ये एक डाउनवर्ड मूव ले सकता है, इसके लिए एक ट्रेंड लाइन का कुछ सेटअप बन रहा है कुछ इस तरह से। तो छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से, 4 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर प्राइस थोड़ा सा लिफ्ट करता है यहाँ से तो मोस्ट कॉमनली इस लेवल के आसपास आके समवेयर कुछ रिएक्शन दिखा सकता है। अगर यहाँ पर कोई रिजेक्शन मिल रहा है हमें, एक तो यहाँ पर रेजिस्टेंस है और दूसरा ये ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर है, तो ट्रेंड लाइन और जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जोन है उन दोनों में यहाँ पर अगर कोई पुल बैक मिलता है, यहाँ तक पुल बैक आके यहाँ पर मिलता है हमें एक लॉन्ग विक रिजेक्शन इस एरिया के आसपास, तो फिर ये एक सेल की एंट्री बना सकते हैं यहाँ पर और फर्दर जा सकते हैं, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये एक डाउन ट्रेंड में है मार्केट, और जिस तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर फॉर्म हुआ है ये शो कर रहा है एक्सट्रीम सेलिंग सिचुएशन। सो गाइज ये रहा वीकली फॉरेक्स एनालिसिस नेक्स्ट वीक का। आई होप वीडियो देखने के बाद थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको मिली होगी। और दूसरी चीज जो मैं बताना चाहूंगा दैट इज फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स पे आप फोकस कीजिए, इसके लिए forexfactory.com पे जाइए और वहां पर उस पर्टिकुलर डे के जो न्यूज इवेंट्स हैं उनको आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए, बिठा लीजिए अपने दिमाग पे कि किस टाइम पर कौन सा न्यूज इवेंट आने वाला है और उसका इम्पैक्ट कितना होने वाला है। कैसे चेक करना है वो सारी डिटेल मैंने एक लास्ट वीडियो में बनाई है जिसमें न्यूज का जो है फॉरेक्स में इम्पैक्ट दिखाया है, वो वीडियो आप जरूर चेकआउट कीजिए। सो दैट्स इट फॉर द डे। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक स्मैश करना ना भूलें और फ्यूचर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। सो विद दैट सेड दिस इज योर कोच लास्टली स्पोकन साइनिंग ऑफ। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। हैप्पी ट्रेडिंग।